अयोध्या में सदर तहसील के कार्यालयों की हकीकत जानने के लिए डिवीजन कमिश्नर आईएएस नवदीप रेणवा शनिवार को आम आदमी की तरह सदर तहसील में पहुंच गए। इस दौरान वो सिविल ड्रेस में थे। उन्हें सदर तहसील के कार्यालयों में गंदगी का ढेर दिखाई दिया। उन्हें अधिकारी और कर्मचारी ड्यूटी पर से नदारद भी दिखे। आईएएस नवदीप रेणवा का कहना है कि अगर वो निरीक्षण करने के लिए ऑफिशियल तौर पर जाते तो उन्हें वो तस्वीर ना दिखती जो उन्होंने आम आदमी के तौर पर देखी। सारी व्यवस्था चौक चौबंद रहती, अधिकारी और कर्मचारी सबके सब मौजूद मिलते, इसीलिए वो बिना किसी प्रोटोकॉल के आम आदमी की तरह सच जानने के लिए आए। यही वजह थी कि साधारण तौर पर सिविल ड्रेस पहने नवदीप सदर तहसील पहुंचे तो उन्हें अधिकारी से लेकर कई कर्मचारी नदारद मिले। साफ सफाई के स्थान पर कार्यालयों में गंदगी का ढेर दिखाई दिया। तहसील परिसर में अव्यवस्थित खड़े वाहनों की कतार दिखाई दी। कर्मचारियों की गैर मौजूदगी के कारण भटकते हुए फरियादी भी नजर आए। डीसी जमीन खतौनी की नकल काउंटर पर गए। पूरा सच अयोध्या मंडल के मंडलायुक्त नवदीप के सामने आता उससे पहले ही उनको पहचान लिया गया। इसके बाद तहसील में हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में मोबाइल फोन पर नंबर डायल होने लगे और जो भी अधिकारी और कर्मचारी जहां भी थे वो भाग भाग कर तहसील पहुंचने लगे। हालांकि जो भी सच अब तक डीसी ने आम इंसान के तौर पर अपनी आंखों से देखा था उसको लेकर उन्होंने गहरी नाराजगी जताई। उप जिलाधिकारी सदर से उन्होंने अनुपस्थित कर्मचारियों और अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगने और व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने के निर्देश दिए।